पड़ोसी मुल्क के अंदर एक चर्सी था, चर्स पिया करता था, नशे की चीज। एक नौजवान से कहा, भाई चर्स पीने के पैसे दे दो। तो कहा, खाना खिला सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, चर्स के लिए पैसे नहीं दे सकता। आगे से कहता है, ओ यार चर्स के पैसे दे दे, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी। जाहिर है उसने चर्स पिलाने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तू तो चर्च के पैसे दे दे। तो उसने इस अंदाज से कहा कि मैं हक्का बक्का रह गया और देने पे मजबूर हो गया। मैंने कुछ पैसे उसको दे दिए। जब दे दिए तो वो तेज तेज कदमों से चलने लगा। ये भी पीछे पीछे चला कि देखूं ये जाता कहां है और करता क्या है। ये चल ही रहा था, रास्ते में कोई फंक्शन हॉल था, शादी खाना था, दो हिस्सों में बना हुआ था, एक में कुछ औरतें बैठी थी और दूसरे में मर्द हजरात थे, खुशियों का माहौल था। और खाना मर्दों वाले हिस्से से सर्व किया जा रहा था औरतों वाले हिस्से की तरफ। तो एक नौजवान ट्रे के अंदर बिरयानी लेकर वो रास्ता क्रॉस करके औरतों के हिस्से में जा रहा था कि रास्ते के किनारे ठोकर खाया और वही बिरयानी गिर गई। उसने अपने पाजामा पैंट को झाड़ा, साफ किया और वो ट्रे भी वही झाड़ दी और वापस दोबारा लेने के लिए गया। ये चर्सी वही बैठा और फौरन खाना शुरू किया, गरम गरम बिरयानी, ढेर सारा पड़ा हुआ था ऊपर, क्यों खानी शुरू की। कहा, मैं पीछे खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था, चर्सी ने अचानक मुझे देखा और अजीब बात कही कि मैं हैरान रह गया। कहा, वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है लेकिन आजकल जरा अनबन चल रही, थोड़ा नाराज है। और हाँ, वो करीब इतना है गुस्सा चाहे जितना हो जाए, भूखा कभी नहीं सुना। गुस्सा चाहे जितना हो जाए, भूखा कभी नहीं सुना। वाकई दोस्तों, हम तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त भूखे उठते तो हैं, भूख लगी हुई होती है, लेकिन भूखा कभी सोते नहीं, हमेशा खा के सोते। तो मुझे और आपको दोस्तों इतना करीब रब मिला है, फिर भी हम उसके साथ कट्टी करके जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी उसके महबूब की सुन्नतों पर पैर रखते हैं, फिर भी महबूब के लाए हुए दीन पर अमल नहीं करते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, नमाजों का एहतमाम नहीं करते, निगाहों की हिफाजत नहीं करते, जुबान की हिफाजत नहीं करते, दिल की कैफियात की हिफाजत नहीं करते, फिर भी हम बद अखलाकी करते हैं, फिर भी हम गाली गलौज करते हैं, फिर भी हम जुल्म करते हैं, फिर भी हम अपने मोमिन भाइयों पर, अपने साथियों पर, पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं। बताइए, इतने कील कांटों के साथ हम कामयाब जिंदगी क्यों कर गुजार सकते हैं, हम कामयाब जिंदगी क्यों कर गुजार सकते हैं। तो इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में फुल यूटर्न लाएंगे इंशाअल्लाह। जो आदतें, जो बुरे तरीके हमारी जिंदगियों में है, सबको छोड़ेंगे, रब के दामन को पकड़ेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करेंगे, जिक्र अज़कार का एहतमाम करेंगे, सखावत का जज्बा पैदा करेंगे, जो माल अल्लाह पाक ने दिया है और माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। मैं दीन लूंगा, मैं दीन लूंगा, न लूंगा मैं।